अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अरे पागल दिल ना माने जाने तुमने याद करे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक के गुजरो। पिछले में दोस्तों आपने भी स्टार्टिंग में वीडियो देखा होगा, उस तरह का वीडियो एडिट करके बदलने वाला हूँ। राजू जी केसरपुरा का सॉन्ग है दोस्तों, जो कि वो ट्रेंडिंग में चल रहा है ये सॉन्ग, तो मैं आपको एडिट करके बताऊँगा स्टेटस। आपको वीडियो पूरा एंड तक देख लेना, और दोस्तों मैं स्टेप बाई स्टेप बता दूंगा पूरा प्रोसेस। आपको वीडियो कम्प्लीट देखना, कहीं स्किप नहीं करना दोस्तों। स्किप करोगे तो आप वीडियो को पूरा एडिट नहीं कर पाओगे दोस्तों। मैं सॉन्ग पूरा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाने के कारण। आपको पूरा सॉन्ग सुनना है तो स्टेटस का पूरा सॉन्ग सुनना है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके सुन ले, या फिर दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी पे डालता हूँ तो वहाँ से जाके सुन ले। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना और आईडी को फॉलो कर देना दोस्तों। और आपको कोई प्रॉब्लम हो अलर्ट मोशन के बारे में तो मेरे को बता देना दोस्तों। और ये वाला है सॉन्ग, ये पागल दिल ना माने। ये वाला है दोस्तों, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस में एडिट करके बताऊंगा दोस्तों। आपको वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेना। और इस तरह की फ़ोटो एडिट कैसे करें, ये मैं जो यूज करता हूँ तो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, चैनल पर जाके देख लेना। और वीडियो को फुल HD में कैसे एक्सपोर्ट करें उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है, तो चैनल पर जाके देख लेना दोस्तों। इस तरह की वीडियो एडिट करने के लिए आपको अपने मोबाइल में चैनल अलर्ट मोशन की जरूरत पड़ेगी। अलर्ट मोशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना दोस्तों। उसके बाद अब आपको क्या करना, उसे ओपन करना है। जैसे मैं ये ओपन हो रहा है दोस्तों, थोड़ा ये ओपन हो गया। ओपन होगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको प्रोजेक्ट में सेलेक्ट करना, दोनों प्रोजेक्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना दोस्तों। लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट अलर्ट मोशन पर ओपन हो जाएगा दोस्तों। बीट मार्क ओपन करना, बीट मार्क ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ आपको आगे बैकग्राउंड देना, तो आपको ना सेक इफेक्ट पर नीचे बैकग्राउंड मिल जाएगा, इसे आपको कापी लेयर करना। कापी लेयर करने के बाद आपको बीट मार्क पर आ जाना है, अपना कीक से पेस्ट कर देना। पेस्ट कर दिया, जैसे पिक्स आ रहा है तो मैं इसे नीचे कर लेता हूँ, या कुछ छेड़छाड़ नहीं कर दूंगा दोस्तों। अब ये और ये मिलेगा, इसे आपको चालू कर देना दोस्तों। अब इस टेक्स्ट में आपको इफेक्ट मिलेगा, तो आप इस टेक्स्ट इफेक्ट को चालू कर देना और कॉपी करना। कॉपी करने के बाद आपको सभी टेक्स्ट में पेस्ट कर देना दोस्तों। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे कर लेना दोस्तों आपको ये। अब मेरे पास फॉन्ट है इसलिए हिंदी मारा, आपकी इंग्लिश में आएगा तो टेक्स्ट में सेलेक्ट करना, एडिट टेक्स्ट पर जाना और यहाँ से फॉन्ट ले लेना। फॉन्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना दोस्तों। अब यहाँ फ़ोटो लेना, जैसे कितनी फ़ोटो हो मैं देख ले के ले लेता हूँ दोस्तों। यहाँ मैं 4 फ़ोटो ले लेता हूँ दोस्तों। आप इससे कम कर सकते हो, जितनी साइज़ हो सकती उतनी फ़ोटो को ले सकते हो आप। जैसे मैं 20 सेकंड कर देता हूँ दोस्तों, अब ज़्यादा कम होगा वो। अब जैसे ये आगे से कट करना और इसे पीछे वाले भाग को कट करना, फिल स्किन कर देना दोस्तों। वापस यहाँ तक खींचना, यहाँ तक कट करना और फिल स्किन कर देना दोस्तों। मैं जल्दी से कर देता हूँ दोस्तों।
ये कर दिया। अब आपको क्या करना है, फ़ोटो को नीचे ले लेना है दोस्तों, इसे नीचे ले लेना है दोस्तों, ताकि ये टेक्स्ट और ये बैकग्राउंड ऊपर आ जाए। ये आ गया दोस्तों। अब यहाँ से और फोटो, जैसे मैं दो फोटो और ले लेता हूँ ताकि इफेक्ट इनमें एक ही है, इसलिए मैं और ये फ़ोटो डाउनलोड कैसे करें उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है। अब दोस्तों इनमें इफेक्ट देना है तो आपको ना, सॉरी, पहले अपने लोगो ले लेना आपको, मैं अपने लोगो ले लेता हूँ दोस्तों। ये लोगो ले लिया, इसकी तक कट कर देना दोस्तों। अब इन टेक्स्ट में आपको इफेक्ट देना है तो आपको ना बैग आना है सेक इफेक्ट पर, सेक इफेक्ट माना ये पेस्ट में इफेक्ट मिलेगी, इसे आपको कापी कर लेना है दोस्तों। कापी पेक्ट करना, कापी पेक्ट करने के बाद आपको आना बीट मार्क पर, बीट मार्क पे आना और ये फ़ोटो ली थी यहाँ नीचे वाली फ़ोटो पर पेस्ट कर देना आपको। मैं जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ बिना टाइम वेस्ट के। अगले एडिटिंग किस सॉन्ग में लेनी है दोस्तों, तो आप किस सॉन्ग की लिंक आप कमेंट में डाल देना दोस्तों। ये मैंने पेस्ट कर दिया और ये ऊपर फ़ोटो ली थी, यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ दोस्तों। ये पेस्ट कर दिया दोस्तों। अब यहाँ तक आपको ले लेना है। अब यहाँ आपको गैप है तो यहाँ आपको ये वाली देनी है सेक इफेक्ट पर ना, ये वाली देनी है। तो आपको इस दोनों को कापी लेयर कर, तीनों को कापी लेयर करना। कापी लेयर करने के बाद आपको ना बैग आना है और यहाँ ये फोटो नीचे है दोस्तों, तो आपको इसे ऊंचे कर लेना दोस्तों। ये ले लिया। अब इनकी इफेक्ट चेंज कर, फोटो चेंज करना दोस्तों। अब ये जैसे ये फ़ोटो ले लिया मैंने, ये फ़ोटो ले लिया दोस्तों, ये देखो। अब यहाँ से अपना बीट चल रहा है तो यहाँ फ़ोटो ले लेना। जैसे मैं दोस्तों दो तीन फ़ोटो ले लेता हूँ दोस्तों, ये फ़ोटो ले लिया दोस्तों मैंने, ये तीन फ़ोटो ले। अब इनमें इफेक्ट देना तो आपको ना बैग है ना सेक इफेक्ट पर, सेक इफेक्ट में ना ये वाली इफेक्ट मिलेगी, इस इफेक्ट को आपको कॉपी करना है। कॉपी करना, कॉपी करने के बाद आपको ना बैग है ना बीट मार्क पर और ये फ़ोटो ली थी यहाँ आपको पेस्ट कर देना दोस्तों। ये मैंने फ़ोटो ले लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया दोस्तों। अब आपको जहाँ अपना बीट ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आ जाना है दोस्तों, यहाँ तक आ जाना। अब यहाँ आपको ये वाली देनी है, आपको आगे आ जाना है दोस्तों, इन तीनों को कॉपी कर लेना है, तीनों पर तो कॉपी कर लेना है। कॉपी करना, कॉपी करने के बाद आपको आगे आ जाना है, यहाँ पेस्ट कर देना है तीनों को। ये अपना पिक्स आ रहा है तो यहाँ फ़ोटो चेंज कर लेना है दोस्तों, और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। मैं फ़िलहाल फ़ोटो चेंज नहीं करूँगा दोस्तों। अब यहाँ फ़ोटो ले लेता हूँ मैं जैसे, ये फ़ोटो ले लिया। अब इनमें इफेक्ट देना तो आपको ना बैग आना है सेक इफेक्ट पर, सेक इफेक्ट माना दोस्तों ये लास्ट वाली इफेक्ट मिलेगी, इसे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करना, कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है बैग बीट मार्क पर, बीट मार्क पे आना आपको लास्ट में आ जाना है। ये फ़ोटो ली थी यहाँ, यहाँ आपको पेस्ट कर देना दोस्तों। ये मैंने पेस्ट कर दिया दोस्तों। आपको लास्ट तक फ़ोटो ले लेना है, यहाँ तक 28 सेकंड तक, जहाँ अपना बीट ख़त्म हो रहा है। अब आगे अपन को वो बॉर्डर वाली लेनी है दोस्तों, तो वो आपको दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। ये वाली है तो आपको यहाँ की है जहाँ से लेना है और आपको जहाँ तक ख़त्म हो रहा है वहाँ तक खींच लेना है। उसके बाद में आपको एडिट ग्रुप में जाना है और ये क्रोमा की वाली मिल जाएगा। मैंने सेटिंग में जाना है दोस्तों और आपको ब्लैक कलर कर देना है। अब आपको फोटो ही नहीं है जिसलिए ब्लैक नहीं आ रहा, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है दोस्तों, ब्लैक कलर हटा देना दोस्तों।
ये दोस्तों अपना वीडियो एडिट हो चुका है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे न्यू राजस्थानी ट्रेनिंग सॉन्ग स्टेटस वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए दोस्तों यहाँ से वीडियो को सेव कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते अगले वीडियो में, ऐसी वीडियो को सेव कर देना।